हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है टाटा ग्रुप की तरफ से। यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिलेगा और सारी की सारी भर्ती आपको टेक्निकल भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर। यहाँ पे आपका ऑन रोल के बेसिस पे वैकेंसी निकाला गया, मतलब कि आपकी सैलरी बहुत ही तगड़ी देखने को मिलने वाली है। पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर डिप्लोमा और बीबीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर का पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अटेंडेंट का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ट्रेड हेल्पर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्लर्क का वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगा, जिसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट आपका रहेगा 700+ लाइक का, तो 700+ आपको लाइक करवा देना, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना बिना कंजूसी किए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना कि आपने कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक किया है, आपने कौन से ट्रेड के अंदर आईटी किया है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। अब डायरेक्टली बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। पोजीशन के बारे में मैं आपको वापस से बता देता हूं, जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर डिप्लोमा और बीबीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिलेगा, अटेंडेंट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, आईटी वाले कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड हेल्पर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, आईटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी क्लर्क का वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, सिंपल ग्रेजुएशन वाले यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नहीं देखने को मिलेगा, परमानेंट वैकेंसी निकाला गया है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें, मंथली सैलरी आपको देखने को मिलेगा 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहां पे सैलरी देखने को मिल जाएगा। सैलरी बहुत ही तगड़ा देखने को मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पे डायरेक्टली आपको वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, उसी के बेस पे आपके यहां पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करें, तो ये फ्री का फॉर्म है, आपको यहां पे 1 रुपया भी पे नहीं करना, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है और इंटरव्यू के बेस पे आपके यहां पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, लाइक टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का। जल्दी से जाके इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना, इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपडेट नहीं दे पाता और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो जूनियर इंजीनियर के अलग अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और आपको सुपरवाइजर, अटेंडेंट और ट्रेड हेल्पर के अलग अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दिया है, 28 दिसंबर का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई वो निकाली गई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से, जो कि टाटा ग्रुप का एक पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जेई का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर अगर आपने बीबीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर मांगा है, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है वो 60% यहाँ पे आपके होने जरूरी है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है कि आपके पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने सैलरी मेंशन की है, 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं रखा गया, परमानेंट गवर्नमेंट टाइप जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब डायरेक्टली बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने वेन्यू मेंशन कर रखा है, ये वेन्यू पे आपको जाना है और अपने इंटरव्यू को यहाँ पे देना है। और साथ ही साथ जो
आपका इंटरव्यू रहेगा ऊपर मेंशन कर दिया है कि जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो आपका रहेगा 6 जनवरी का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा सुबह 9:30 बजे से लेके दोपहर के 11 बजे तक आपका ये इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। तो इस वेन्यू पे जाके आपको ये इंटरव्यू दे देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको अपना रिसेंट बायोडाटा आपको लेके जाना है, रिज्यूम आपको यहाँ पे कैरी करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैरी करना है, उसके बाद आपको जेरोक्स कॉपी करना है पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, और जो भी आपके पास एजुकेशन के जो भी आपका बैकग्राउंड है उसका आपको सारे के सारे जेरोक्स कॉपी लेके जाना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके जाना पड़ेगा 6 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, आईटी टेक्निकल इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, उसी के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 27 दिसंबर के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिए। यहाँ पे जो आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा वो 3 जनवरी का वॉक इन इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा, सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपके इंटरव्यू आपका चलने वाला है। कहाँ पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना उसके बारे में बात करेंगे। जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई वो निकाली गई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जो कि टाटा ग्रुप का एक पार्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, डिग्री की है किसी भी ब्रांच में, आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीएससी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी में अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है किसी भी ब्रांच में किसी भी फील्ड के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे मांगा है 1 साल का, आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर का, जो कि यहाँ पे जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 साल तक एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। अब डायरेक्टली बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि यहाँ पे जब का सैलरी रहेगा वो रहेगा 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक आपके यहाँ पे मंथली सैलरी देखने को मिलेगा, और ये परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको इंटरव्यू कहाँ देने जाना है यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा वेन्यू मेंशन कर रखा है। बेसिकली जो वेन्यू आपको देखने को मिलेगा मुंबई का वेन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मुंबई आपको जाना पड़ेगा। साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको अपना रिज्यूम कैरी करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैरी करना है, जेरोक्स कॉपी आपको कैरी करना है पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, और जो भी ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसका आपको कैरी करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, उसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लिया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया, जो कि जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मुंबई का जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का डेट दे रखा है 15 दिसंबर का, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दी है। डायरेक्टली बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी। पहली जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एलडीसी क्लर्क का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 18 आपको देखने को मिल जाएगा, लेवल 2 का आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, 19,900 रुपये आपका सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको अलाउंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें 27 ईयर एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा फॉर ए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, या फिर अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास 3 महीने का जो कि MSc IT का जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर का वो आपके पास यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे 1 साल तक एक्सपीरियंस मांगा है, और यहाँ पे लोकेशन आपको मुंबई की देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा अटेंडेंट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको जो देखने को मिलेगा 20 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगा, 10 देखने को मिलेगी पंजाब की लोकेशन के लिए और 10 आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश की लोकेशन के लिए। लेवल 1 का सैलरी देखने को मिलेगा 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी देखने को मिलेगा, प्लस अलाउंस अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे 25 साल का एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपने यहाँ पे 10th कर रखा है, IT कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल तक एक्सपीरियंस मांगा है, और यहाँ पे लोकेशन आपको पंजाब और आंध्र प्रदेश की आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा ट्रेड हेल्पर का वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेवल 1 का यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा 18,000 रुपये आपका पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा, प्लस अदर
अलाउंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो 70 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसके अंदर पंजाब के लिए निकाली गई 35 और आंध्र प्रदेश लोकेशन के लिए यहाँ पे 35 देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 ईयर दी गई है अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो, वहीं अगर आप OBC और SC ST कैंडिडेट है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10th मांगा है, या फिर अगर आपने ITI के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक साल तक एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए। पंजाब और आंध्र प्रदेश की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी नर्स का है तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट भी वैकेंसी आपको नर्स का देखने को मिलेगा, ये सारी वैकेंसी नर्स की निकाली गई है। अब डायरेक्टली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम होगा, प्लस आपका स्किल टेस्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ITI किया या फिर डिप्लोमा किया तो आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्योरा मेंशन किया गया है कि कैसा आपका स्किल टेस्ट होगा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका लास्ट डेट रहेगा वो आपका रहेगा 10 जनवरी, इसका लास्ट डेट देखने को मिलेगा। शाम को 5:30 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए अलग से क्रिएट कर दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अब डायरेक्टली बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो आपका एज लिमिट काउंट होगा वो 10/1/2023 तक आपका एज लिमिट काउंट होगा, 10 जनवरी तक आपका एज लिमिट काउंट होगा। अगर आपको कोई भी आपको इंक्वायरी है तो आप इनकी मेल ID पे यहाँ पे इनको मेल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप SST कैंडिडेट है तो 5 साल का, OBC कैंडिडेट है तो 3 साल का, PWD कैंडिडेट है तो 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। बेसिकली यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा वो आपका 300 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगा अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो। वहीं अगर आप SST कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, तो एक सर्विस मैन है, तो आपको यहाँ पे 1 रुपये पे नहीं करना, फ्री गए फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे यह है कि आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, अलाउंस आपको देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अलाउंस आपको देखने को मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, एकोमोडेशन देखने को मिल जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइक गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट यहाँ पे आपका जॉब देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।